अगर ये सुबह सुबह ही टैटे टैटे टूटू टूटू चाबी वाला चालू हो जाएगा ना, तो शाम तक बैटरी उतर जाएगी रेवा देना भाई। लेकिन उर्मिला तू देख ना, अपनी दुकान, ये गोखले बंधु, एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों दुकानों की भी तो शादी हो रही है ना। ये बात तो आपने पते की किया। देखो, जो मेन बात बोलने आई थी मैं वही भूल गई। ये आज का अखबार देखा आपने? नहीं, क्यों? ये देखिए, इसमें लिखा है कि अहमदाबाद के किसी मॉल में, मॉल में क्या, ये गोखले बंधु का कोई आधुनिक अवतार खुलने वाला है। बोल। मर गए उर्मिला, मर गए। है महेंद्र, क्या हुआ है? और ये इसी गोखले बंधु की शाखा है या कोई और गोखले बंधु है? ये रहा, पारंपरिक व्यंजन को आधुनिक तड़का देके खुल रही है गोखले बंधु की नई शाखा अहमदाबाद के मॉल में। साबूदाना नूडल वड़ा, पेड़ा केक विद जलेबी जेली। अरे, ये खबर सुनाते हुए हंस क्या रहे हो? अन्ना ने पढ़ लिया तो? लेकिन अन्ना को तो अभिषेक बताने ही वाला है ना। अरे हो, लेकिन वो शादी के बाद, उसके पहले अगर ये खबर बाहर आ गई तो। बाप रे, अभिषेक कहाँ है? महेंद्र बहू कहाँ है? हाय हाय महेंद्र, आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया। अगर अन्ना भाई को पता चल गया तो आपको हंटर से मारेंगे, हंटर से। नहीं, हंटर से नहीं, तलवार से मारेंगे। नहीं, तलवार नहीं, गोली, बंदूक से, डायरेक्ट बंदूक। नहीं, तोप रखते हैं। अरे क्या तोप रखते हैं? तू क्या स्क्रिप्ट लिखने बैठ गई मेरे मार खाने पर? मैंने बोला था कि अन्ना भाई की परमिशन लेने के बाद ही फैसला लेना। लेकिन क्या मैंने बोला था? आप भी तो बता सकते थे अन्ना भाई को, ये मॉल वाले को हाँ बोलने से पहले। मुझे तो साफ साफ पूरा सीन दिखाई दे रहा है महेंद्र, पूरा का पूरा सीन। अन्ना भाई आएंगे हाथ में ऐसे तलवार लेकर, बाजीराव मस्तानी स्टाइल में, और फिर बोलेंगे कि छोटा भाऊ, कपटी, धोखेबाज, मैंने तुझे मेरा छोटा भाऊ समझा और तूने मुझे झांसा देकर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने तुझे अच्छा समझा गुजराती और तू लुच्चा लबाड़ निकला। फिर मेरा डांस। अरे बस कर उर्मिली भंसाली, अरे बस कर, अवे बस अवे। अगर अन्ना भाई को पता चल गया ना तो गायत्री और अभिषेक की शादी पर भी आफत आ सकती है। है कैसे? वो चालबाजी करके गायत्री के हाथों ही तो साइन करवाई है हमने एग्रीमेंट के ऊपर। महेंद्र चक्रमलाल, ये क्या किया आपने? अगर अन्ना भाई को इस अखबार के बारे में पता चल गया। क्या हुआ मम्मी, क्या है अखबार में? कुछ नहीं बेटा, मैंने इस अखबार वालों को फोन किया था कि अगर वो तेरी और अभिषेक की शादी की फोटोग्राफ्स अखबार में छापेंगे तो मैं गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स और गोखले बंधु के इश्तियार उनके अखबार में छपवाऊंगा। व्हाट, क्या किया पापा आपने? एक तो हमारी शादी की फोटो। बेटा हम बैठ के बात करते हैं ना। उर्मिला तू ये अखबार ले और अखबार वाली बात जाके केशव को बता दे। और उसे बोल कि अन्ना भाई से परमिशन ले ले कि अगर हमने गोखले बंधु का नाम अखबार में छपवाया तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गई तू? भले हाँ। आती हूँ। हाँ। अरे सुनो, महेंद्र बहू से मिलने आ रहे थे। अच्छा, और मैं आप लोगों से, मैं अभी दुकान पर गई थी और मैंने महेंद्र को ये अखबार में छपा हुआ ये, अच्छा अखबार में छपा हुआ ये लेख दिखाया और पूछा कि अहमदाबाद के मॉल में खुलने वाली गोखले बंधु मींस के आपकी ही गोखले बंधु की शाखा है क्या? तो महेंद्र तो एकदम टेंशन में आकर इधर उधर घूमने लगे। मर गए उर्मिला, ऐसा करके। वो बेचारा पिंजरे में फंसा हुआ चूहा घूमता है ना यहाँ वहाँ, वैसे लीलाधर भाई। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है उर्मिला भाई। अच्छा क्यों? पहले आप प्रभाकर का दिवाकर, सुधाकर, खामकर, आयकर, जोकर बोलती थी तब तक ठीक था। अच्छा, अब तो आपने कर भी हटा दिया, लीलाधर। अरे प्रभाकर दादा, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है, लीलाधर प्रभाकर, एंड में रो तो आ ही रहा है ना। आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो? अरे ओ केशव भाई, यही तो मैं बोलने जा रही थी, आप मेरा डायलॉग खा गए। हाँ,
क्योंकि अगर ये खबर अन्ना ने पढ़ ली ना तो महेंद्र भाव के फांसी खाने के दिन आएंगे। अगवाई जी माँ, मतलब महेंद्र भाव उधर जाएंगे तो शादी कैंसिल। अरे शुभ शुभ बोलिए बहनी, शुभ शुभ बोलिए। बराबर अरे सुन बराबर, अरे क्या महेंद्र भाव गुजर जाएंगे, महेंद्र भाव गुजर जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं? वो बेचारे क्यों गुजरेंगे? क्या 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 चल रही है परेशान? चांदार चौकड़ी क्या मस्ती बिस्ती अरे भारती बड़ा हाँ? वो अखबार नहीं मिल रहा है, जरा देखना किधर करके। बराबर नहीं आया आज का अखबार, नहीं आया। बोलो केशव दादा, अखबार आया नहीं? वो क्या दो दो अखबार? अरे 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 देना बार। हाँ खाए दादा। अरे क्या क्या इशारेबाजी क्या चल रही है तुम लोगों की? हाँ अरे अभिषेक देना अखबार। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ दे दे अखबार, दे पढ़ना है मुझे। अभी इसमें पढ़ने जैसा है क्या अन्ना भाई? देखो अभी मैं ही आपको सुना देती हूँ ना सारे समाचार। गुजरात में जमीन के भाव ऊपर, शेयर बाजार 300 पॉइंट से ऊपर, आसमान में बादल ऊपर, पापड़ सुखाए छत के ऊपर। ये ऐसा सब छपा है अखबार में? पापड़ भी पढ़? हाँ ऐसा ही सब लिखा है इसमें, तो ये एकदम पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। फालतू है, फालतू फालतू, मैं तो बोलती हूँ भंगार है, फालतू है, फालतू फालतू, इसको फेंक देने का। अरे अरे फेंक क्या दिया? अच्छा चलो मरने दो, वैसे भी वो गुजराती प्रकार के समाचार थे। ओ मुझे नहीं, मुझे तो मराठी प्रकार के समाचार पढ़ने हैं मेरे मराठी अखबार में। भारती जरा मराठी वाला लेके आना। बराबर अब क्या होगा? एक ना एक दिन तो ये होना ही था, उतनी तो घंटा देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे, रविवार को शादी है, और अगर अन्ना भाई को पता चल गया कि तुम लोगों ने मिलकर उनके साथ इतना बड़ा छलावा किया था तो। बहुत बड़ा छलावा किया इन लोगों ने मिलके। हाँ मुझे तो लगता है कि अन्ना शादी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि है क्या, क्योंकि क्या? क्योंकि इन्होंने जो साजिश की है ना अन्ना के खिलाफ, उसमें जाने अनजाने में आपकी बेटी गायत्री भी शामिल है। अरे भारती इतनी देर। अले अले अन्ना। अरे अन्ना अरे क्या इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? मैं शांत ही हूँ। अहो आप शांत है लेकिन अमोल, अमोल फिर से कपाट पे चढ़ गया है। अरे परमेश्वर ये लड़का अमोल। हाँ कोमल। अरे अभी मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ अमोल, जो छना ने भी बोला अमोल अमोल, फिर भी आप कोमल बोल रही हो। हाँ फिर बोलते कि मैं बाल की खाल निकालता हूँ। वो कोमल ही है, आप गलत नाम लेके बुला रहे हैं अन्ना भाई। इवा, इवा, अरे मैंने रखा है उसका नाम मेरे बेटे का। नहीं नहीं आप भूल गए हैं। कैसी है ये? बिंदास बिंदास नाम अमोल का कमोल करती है। मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं यहाँ ऊपर से नीचे कूद के अपनी जान दे दूंगा। मैंने देखा है शोले पिक्चर में। अगवाई लेकिन शोले पिक्चर में वो तो ऊंची टंकी पर चढ़े थे, आप यहाँ से कूदोगे ना तो खाली आपका पैर ही टूटेगा। ठीक है तो फिर मैं यहाँ से नीचे उतर के अपनी बाजू वाली गली में वो ऊंची टंकी है ना वहाँ चढ़ के उधर से कूद जाता हूँ। बराबरा अरे क्या बराबरा, हमें उसके दिमाग में वो था भी नहीं, अभी उसको नया आइडिया मिल गया ना टंकी के ऊपर चढ़ के कूदने का। अमूल बाड़ा मुझे बता दे क्या हो गया तुझे? वो केशव दादा इनसे पूछिए, इन्होंने मुझे बोला था
कि अभिषेक की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी। वो तो मैंने ऐसे ही इस बात में तो निसंदेह है कि संस्कृत विद्यार्थी झूठ मत बोले केशव दादा, आप ही ने मुझसे कहा था कि वो कागजात कागजात कौन से कागजात क्या कागजात क्या अरे अन्ना वो कागजात वाली बात, महेंद्र अंकल को फोन आया था, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं लेकिन मैंने सब सुन लिया, फिर केशव दादा ने मुझसे कहा कि मैं बताता हूँ अमोल बाड़ा, मैं बताता हूँ। अभी आपको नहीं कुछ सोच रहा ऐसे मौके पे? नहीं, मैं गीत सोच रहा हूँ। गीत सोच ऐसे मौके पे गीत बोलोगे आप प्रभाकर दादा? क्या 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 खुशरूपी से हो रही है वहाँ पे? आप अमोल दादा, सारी जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। अरे वो सब ठीक है अभिषेक, लेकिन ये क्या बोल रहा है महेंद्र भाव ने, ऐसी कौन सी बात मुझे नहीं बताई जो अमोल ने सुन ली? मैं बताती हूँ ना प्रमोल भाई। नया नाम भाई, अभी तू कुछ नहीं बोलेगा और शादी की सारी जिम्मेदारियाँ तुझे ही उठानी है हमारे साइड की, इसलिए तू अभी फटाफट नीचे आ जा भाई। अच्छा आजा आजा नीचे आजा, बहुत काम पड़ा है। और ए बेन एक मिनट। अन्ना भाई, महेंद्र ने प्लान बनाया था कि हम लोग लड़की वाले हैं, फिर भी हम लोग बारात में घुस के आपके साथ नाचने वाले थे। और ये बात आपको नहीं बतानी थी कि आप ठहरे परंपरावादी बराबर, तो आप बीच में डखा खड़ा करते ना। अरे अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं यही बात यही बात नहीं नहीं इतनी भी पुरानी सोच नहीं है इनकी, और ऐसे भी परंपरा नहीं होती कि लड़की वाले और लड़के वाले एक होकर खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। अरे आप बिंदास शामिल होना हमारी बारात में और नाचना भी, चाहिए तो मैं भी नाचूंगा इनके साथ में। तो फिर अभी एक एक स्टेप कर लेते हैं ना, आप भी करिए ना जय बड़ा बहन। जोत सना आहो 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 ये बंदू से मव है, आहो 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 मैं भी कर।